नमस्कार दोस्तों, टेक इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको दिखाया था इस ब्रेंटन कंपनी का इमरजेंसी बल्ब को, जो कि खराब था। तो चलिए देखते हैं इस बल्ब में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले बिजली में लगाकर देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमारा सीरीज बोर्ड है, 220 वोल्ट बिजली का बोर्ड है। तो यहाँ पर लगाता हूँ और कुछ भी रिस्पांस नहीं, और बिजली जाने के बाद ग्लो करता है कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। दोनों जो B22 कैप का टर्मिनल है उसको शॉर्ट करते हैं, तो नहीं जल रहा है कुछ भी, कोई भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, कोई भी LEDs AC का भी DC का भी। तो चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले डिफ्यूजर को हटाता हूँ। डिफ्यूजर को हटा दिया और अंदर देख सकते हो दो वायर टूटा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पर दोनों वायर टूटा हुआ है। और ये जो AC DC बल्ब है ये लोकल है, ये अच्छा क्वालिटी का बल्ब नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो जला हुआ है यहाँ पर LED, ये पूरी तरह से जल गया है। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑन बोर्ड इमरजेंसी बल्ब है, DOB AC DC बल्ब है ये, इसके अंदर ड्राइवर सर्किट नहीं है। और यहाँ पर कोई भी स्क्रू भी नहीं लगाया है, देख सकते हो यहाँ पर स्क्रू लगाने का जगह था, स्क्रू भी नहीं लगाया है, तो शायद यहाँ पर ग्लू से चिपका दिया है। तो चलिए इसको निकालते हैं, देख सकते हो नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर से पहले बैटरी का जो कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। दोस्तों छोटा सा वीडियो पूरा देखिए, डिस्कनेक्ट कर दिया और इसके बाद इस पूरा पैनल को निकालता हूँ, आखिर क्या प्रॉब्लम है देखना पड़ेगा। सब कुछ टूटा फूटा है यहाँ पर वायर्स, और अंदर भी देख सकते हो बैटरी है एक, देखता हूँ बैटरी का क्वालिटी कैसा है। अरे यार, कैसा कवर लगा दिया है देख सकते हो, इस तरह का कवर मैं कभी नहीं देखा, LG का। ओ माय गॉड, 2400 mAh 3.7 वोल्ट LG का, मुझे नहीं लग रहा कि इतना सस्ता बल्ब में LG का बैटरी देगा। ये ऊपर से कवर लगा दिया है और स्टिकर लगा दिया है LG का शायद, और यहाँ पर दोनों वायर भी टूट गया है। इस कवर को हटा कर देखते हैं अंदर बैटरी का क्वालिटी कैसा है। मुझे नहीं लग रहा कि ओरिजिनल बैटरी होगा, ओरिजिनल भी होगा तो ये रिसाइकल्ड बैटरी होगा जो कि पहले भी इस्तेमाल किया गया है। देख सकते हो अंदर ऊपर कितना था, देख सकते हो ऊपर कितना था आपको मैं दिखाता हूँ, 2400 mAh ना, अंदर देखते हैं कितना है। ठीक है, रिसाइकल बैटरी है, देख सकते हो अंदर का क्वालिटी बहुत ही खराब है, डबल टेप लगा दिया है। मुझे पता था कि इस तरह का सस्ता बल्ब में अच्छा तो बैटरी नहीं लगेगा, देख सकते हो एक कवर लगा हुआ था, देख सकते हो दोस्तों ये रिसाइकल बैटरी है, रिसाइकल्ड, स्पॉट वेल्डिंग का यहाँ पर मार्क है, देख सकते हो पुराना बैटरी है ये। ठीक है, यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग किया गया था तो उसको उठाकर यहाँ पर सोल्डर कर दिया, देख सकते हो सोल्डर कर दिया है, और इस इमरजेंसी बल्ब में रिसाइकिल किया है बैटरी को। दोनों वायर ही टूटा फूटा है, तो देखता हूँ बैटरी में जरा से भी चार्ज है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को मैं 20 वोल्ट DC रेंज पे सेट करता हूँ। ओके, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है और बॉडी नेगेटिव है, 2 वोल्ट है। पीछे से पकड़ के देखता हूँ, 2 वोल्ट है लगभग। तो इसका जो बैटरी है मुझे लगता है ठीक है, डिस्चार्ज हो गया है ज़्यादा, तो इसको चार्ज करने से ये चल सकता है, लेकिन ये उतना लास्टिंग नहीं करेगा मुझे लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इस बार इसमें क्या प्रॉब्लम है, देख सकते हो और अंदर भी देख सकते हो कोई भी ड्राइवर नहीं है। ठीक है,
यही ड्राइवर है और यही एलईडी का पैनल है, बैक साइड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो क्लियरली दिखाई दे रहा है ये जो एलईडी है फ्यूज्ड है और कनेक्शन टूट गया है सभी का। सबसे पहले तो हमें एलईडी को चेक करना होगा, तो पहले इस एलईडी को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, इसको रिप्लेस करता हूँ और उसके बाद सारा वायरिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी वायरिंग टूट गया है और वायर का भी क्वालिटी बहुत ही खराब है। देख सकते हो, लोहे का वायर लगा दिया है, जंग लग गया है वायर में। ये लोहे का वायर है और बैटरी में भी वायर लगाना है। इसका जो वायर है बहुत ही छोटा है, काट दिया है शायद जो कस्टमर है उन्होंने खोला था। ठीक है, तो यहाँ पर वायरिंग करना होगा, तो पहले इस एलईडी को मैं रिप्लेस कर लेता हूँ ना, उसके बाद दिखाता हूँ। यहाँ पर 9 वोल्ट का एलईडी लगेगा, इसको रिप्लेस करता हूँ, उसके बाद चेक करेंगे दोबारा। ठीक है दोस्तों, खराब एलईडी को मैं रिप्लेस करने ही जा रहा था, देख सकते हो यहाँ पर मैं साफ भी कर लिया था और इसको मैं रिप्लेस करूंगा। उससे पहले मैं एक बार चेक किया एलईडी को, तो देखा ये तुरंत खराब हो गया। ये एलईडी भी बहुत ही नाजुक हो चुका है जो कि जल्दी खराब हो रहा है। तो अगर इस इमरजेंसी बल्ब को हमें रिपेयर करना है तो जो साइड का एलईडी है ना, सभी को हमें बदलना पड़ेगा। तो अगर सभी को बदलोगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत है और खर्चा भी है। कितना एलईडी है देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 एलईडी है दोस्तों, 12 एलईडी है साइड में जो कि बिजली से एसी से चलता है, और मिडिल का जो एलईडी है वो चलता है बैटरी से। ठीक है, तो यहाँ पर तो सभी लगभग खराब हो गया है, तो सभी को बदलने में थोड़ा सा परेशानी होगा, खर्चा भी होगा। तो आप कस्टमर को बोल के ये काम कर सकते हो, लेकिन शायद कस्टमर मना कर दे क्योंकि खर्चा तो बहुत हो जाएगा और आपको ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका फायदा नहीं है, बैटरी का भी वायरिंग करना है। तो चलिए एक बार शॉर्टकट वायरिंग करके मैं देख लेता हूँ बैटरी का। ठीक है, बैटरी को पहले चार्ज करना होगा। ये देख सकते हो बैटरी का मॉडल है 1865 LG का ही बैटरी है, लेकिन पुराना बैटरी है। तो अगर इसको चार्ज करके लगाता हूँ और सभी एलईडी को बदलता हूँ तब ये रिपेयर हो जाएगा। लेकिन ये जो अब ड्राइवर देख रहे हो ना, ये थर्ड क्लास क्वालिटी का है, इसमें कोई भी फिल्टरेशन नहीं है और चार्जिंग के लिए ऑटो कार्ड भी नहीं है, बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट भी नहीं है अच्छा। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह का इमरजेंसी बल्ब को रिपेयर ना करें, क्योंकि ये ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कैपेसिटर नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो इसको रिपेयर करना फायदे का सौदा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं हाथों से वायरिंग कर लिया, कुछ इस तरह से पकड़ के हूँ बैटरी को, और बैटरी को भी थोड़ा सा चार्ज कर लिया और वायरिंग कर लिया थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए। देख सकते हो अभी बैटरी लगा दिया, बैटरी थोड़ा सा चार्ज है। तो यहाँ पर अगर मैं हाथों से टच करता हूँ, देखिए जो बैटरी का एलईडी से जल रहा है। ठीक है, बैटरी बहुत ही कम चार्ज है इसीलिए कम जल रहा है। ओह नहीं नहीं, यहाँ पर कनेक्शन नहीं हो रहा, देखिए बैटरी का जो एलईडी से जल रहा है, ठीक है बहुत ही ब्राइट जल रहा है क्योंकि मैं अभी अभी चार्ज किया। देख सकते हो बैटरी का एलईडी जल रहा है और बिजली का जो एलईडी से वो फ्यूज हो गया है, जैसे कि आप लोगों ने देखा और मैं भी चेक करके देखा, और इसका जो लाइफ है ख़त्म हो गया है, जल्दी से फ्यूज हो रहा है। तो अगर इसको मैं रिपेयर करना चाहूँ तो हमें जो एसी से चलने वाला एलईडी से सभी को बदलना होगा, तब ये पूरी तरह से रिपेयर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एलईडी बल्ब रिपेयरिंग का वीडियोस को देखने के लिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसका कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाएगा, इसीलिए मुझे कस्टमर से पूछना पड़ेगा, इतना लूँगा तो आप रिपेयर करोगे, उसके बाद ही इसको रिपेयर करूँगा क्योंकि मुझे सारे एलईडीज बदलना है। तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।